पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योग का जादू छाया रहा। कहीं नेता तो कहीं अधिकारी तो कहीं छात्रों ने योग कर स्वस्थ रहने की शपथ ली और योग दिवस के चलते ही उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में भी अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। हम आपको अलग अलग जिलों की तस्वीर दिखाते हैं जिससे आप समझ पाएंगे कि योग का जादू कैसे चढ़ा है यूपी पर। आज स्टेडियम में हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। उस योग दिवस में हमें आज 4 वर्ष होने जा रहे हैं और ये हमारे भारत की प्राचीन संस्कृति है जो इस देश के अंदर हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और हमारे माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी के इस कार्यक्रम में योग हमारे देश के अंदर सबसे बड़ी योग की परंपरा चलाई जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा आज देहरादून में कार्यक्रम लगा है और जो मानसिक विकृतियां, तनाव, समस्याएं आदि इंसान के ऊपर आती हैं उनमें इस तनाव को योग के द्वारा सहनशीलता, हृदय के प्रति आत्मा में शुद्धता, वायु को प्राण दायक, शरीर को आराम मिलना, योग हमारे देश की सबसे बड़ी प्राचीन संस्कृति के रूप में मनाते हैं और भारत देश हमेशा से योग करते आए हैं। इसी में हम लोगों को बहुत बहुत लाभ प्राप्त होता है और जो भी योग करते हैं तो हमारे संबंध भी अच्छे जुड़ते हैं, यही हमारी परंपरा है। इसलिए योग एक रामबाण की तरह इस शरीर पर दवा का कार्य करता है। जय हिंद। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की इस बार जो थीम थी, करें योग रहें निरोग, ये इस थीम के साथ मैं आज कानपुर में ऐतिहासिक ग्रीन पार्क स्टेडियम में भारी संख्या में लोगों ने योग किया। और ये ग्रीन पार्क नहीं, ग्रीन पार्क एक सेंटर था, शहर के हर हिस्से में लोगों ने अलग अलग जगहों पर इस योग क्रिया को किया है और लोगों में संदेश दिया है कि योग कितना आवश्यक है। योग ये दैनिक जो हमारी दिनचर्या है उसका हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि आज के समय में अगर किसी भी हॉस्पिटल जाओ तो सबसे ज़्यादा लोग मानसिक अवसाद से या बहुत कम उम्र में बहुत सारे रोगों से जो है पीड़ित दिखाई देते हैं। इसका कारण यही है कि वो फिजिकल और मेंटल हेल्थ के बीच में बैलेंस नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं। और इसके लिए बेस्ट तरीका, जो लोग कहते हैं कि नहीं हमें जिम जाना है या कोई कोच चाहिए, योग ऐसी क्रिया है जो घर के किसी भी कोने में, छत पर, पार्क में, गली में, कहीं भी की जा सकती है, ऑफिस में भी की जा सकती है। तो इसलिए आप आज इस अवसर पर सभी से अपील है कि जो ये थीम है, करें योग और रहें निरोग, उस थीम को अपने जीवन का हिस्सा बना लें और प्रतिदिन योग करें और स्वस्थ रहें। सर, आपके जीवन में योग कितना? देखिए, प्रशासनिक अधिकारियों के लगभग 18 घंटे, 16 से 18 घंटे रोज़ काम करना होता है। अगर हम उसमें आधे घंटे योग नहीं करेंगे तो हम बहुत जल्दी एक हफ्ते के अंदर बीमार पड़ जाएंगे। तो इस सब के बावजूद भी अगर हम काम कर रहे हैं, इसका मतलब निश्चित रूप से योग हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है और उसको नित प्रतिदिन करते हैं और इसलिए कामयाब होते हैं कि संडे के दिन भी काम कर लेते हैं बिना किसी छुट्टी के, अनवरत कई महीनों तक काम करते रहते हैं। तो ये योग में बहुत ताकत है, योग में बहुत ताकत है और इसको, इसी की ताकत को समझने की आवश्यकता है। सर, योग जो है भारत की इस संपूर्ण विश्व को एक ऐसी अद्भुत देन है जिसका प्रचार प्रसार इधर बहुत बड़ा है और इसके नियमित अभ्यास से मानसिक और शारीरिक ऊर्जा दोनों एकाग्रित होती है। शरीर जहाँ ना केवल स्वस्थ होता है, मन मस्तिष्क शांत होता है। विशेषकर पुलिस बल में, जो कि एक
डिसिप्लिन फोर्स है, इसमें पहले दिन से ही पीटी और योग के बारे में ट्रेनिंग दी जाती है। इसको हम लोग और अधिक से अधिक आत्मसात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस जिस दिवस मनाया जा रहा है, जिस तरह देश के पीएम हिमाचल में योगा दिवस को लेकर वहाँ तैयारियाँ हैं, यूपी में आदित्यनाथ योगी जी और केंद्र राजनाथ सिंह योगा को लेकर लखनऊ में कर रहे हैं, तो हमारे साथ क्षेत्रीय विधायक हैं राजेश गौतम जी, इनसे प्रयास करेंगे क्या है योगा दिवस को लेकर। योगा दिवस जिस तरीके से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी जगह जगह पूरे विश्व में बता रहे हैं, स्वस्थ मन, स्वस्थ विचारधारा, स्वस्थ वातावरण, ठीक उसी तरीके से जब हमारा शारीरिक स्वस्थ रहेंगे, जिससे कि हमारी विचारधारा, हमारी सोच, हमारा राष्ट्र निर्माण की, हमारी भारतीय जनता पार्टी, हमारे प्रधानमंत्री सोचे कि राष्ट्र निर्माण में कैसे हमारा देश आगे जाए, उसी तरीके से हमारा जब स्वस्थ मन रहेगा, स्वस्थ शरीर रहेगा, हम हर चीज़ काम करने में, हमारी विचारधारा, हमारा वातावरण स्वस्थ रहेगा। आप कितने घंटा योगा करते हैं? मैं जो आधे घंटे योगा करता हूँ, 5 किलोमीटर डेली रनिंग करता हूँ। फिटनेस का राज क्या बताइए कि लोगों को, फिटनेस का राज क्या है कि इस तरह, जिस तरह आप कल हम देख रहे हैं कि आपके यहाँ शादी थी और इस तरह आप जो है सुबह उपस्थित हैं, फिटनेस को लेकर क्या करें? जब हम एक दिनचर्या में बना लेंगे कि सुबह 5 बजे उठ जाना और एक अनुशासन, जब हम अनुशासन में चलते हैं तो निश्चित तौर पर हम जो भी कार्य करते हैं, दिन भर जो भी कार्य करते हैं, एक समय निर्धारित कर लेते हैं, तो ठीक उसी तरीके से हमारा खान पीन, वातावरण, सारी चीज़ें अनुशासन में। इस तरीके से ये योग दिवस मनाया जा रहा है, तो आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? यही संदेश है कि योग दिवस तो केवल एक दिन साल में मनाया जाता है, आप लोग पर डे करें। योग दिवस का मनाने का उद्देश्य यही है कि लोगों में जागरूकता फैले, लोग स्वस्थ हों, लोग योग के प्रति बढ़ावा मिले लोगों को। इससे लोगों को क्या फायदा होते हैं? योग से देखिए, भारत एक गरीब देश है, बहुत से हर साल करोड़ों लाखों रुपया बीमारियों में बर्बाद होता है, तो योग करेंगे उन गरीबों का फायदा होगा, लोग खुद स्वस्थ रहेंगे तो लोगों को और लाभ मिलेगा। आज योग दिवस था, योग दिवस पे आप 2 दिन से यहाँ हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मैं सभी दर्शकों को अपनी ओर से और अपने प्रदेश की ओर से, मुख्यमंत्री की ओर से और प्रधानमंत्री की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं प्रस्तुत करती हूँ। जिस दिन माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयास से संयुक्त संघ ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया, उसी दिन योग के महत्ता को स्थापित कर दिया गया। धीरे धीरे पिछले आपने देखा, एक सदी से धीरे धीरे योग के पूरे विश्व को आकर्षित कर रहा था, लेकिन अब योग एक जीवन पद्धति को सरल तरीके से जीने की और स्वस्थ रहने की जो सीख देता है, जो व्यवस्थाएँ देता है, विश्व प्रचार कर रहा है। आज के दिन पूरी दुनिया में करोड़ों लोग योग कर रहे हैं, बड़े बड़े राजनायक, बड़े बड़े राजनेता, पूरी दुनिया के आज कोई भी ऐसी कैपिटल या राजधानी नहीं होगी या महत्वपूर्ण नगर नहीं होगा जहां योग दिवस मनाया जा रहा हो। इसके लिए मैं निश्चित रूप से अपने प्रधानमंत्री को आभार व्यक्त करती हूं और साथ ही साथ पतंजलि आयुर्वेद के हमारे जो गुरु हैं बाबा रामदेव, उन्होंने भी इसको आगे बढ़ाने में सदी में इसको आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैं ये समझती हूँ कि नाथ संप्रदाय द्वारा जो कि गोरखपुर का है, इसका आगाज किया गया और धीरे धीरे पूरे विश्व में ये स्थापित हुआ है। हम सब जानते हैं कि 80% हमारे भारतवासी विश्व के लोग किसी न किसी रोग से ग्रस्त हैं और इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि अगर थोड़ी देर योग प्रतिदिन किया जाए और सही योग किया जाए तो वह निश्चित रूप से 40% बीमारियों को समाप्त कर देता है। तो हमें क्यों नहीं प्रयास करना चाहिए कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, क्यों ना हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारा मस्तिष्क शांत रहे, तो मन और शरीर दोनों के लिए है। आज उरई में जो है जालौन जनपद का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है। यहाँ इंदिरा स्टेडियम में सब लोग इकट्ठा हुए हैं और बहुत अच्छा एक कार्यक्रम हुआ है। माननीय हमारे प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी का ये ध्येय है कि लोगों के बीच में जो है योग का जो है जो जागरूकता है बढ़े, क्योंकि योग जो है स्वास्थ्य और चित्त के लिए बहुत ही अच्छा है। और इसी के उपलक्ष्य में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे इंदिरा स्टेडियम में जो कार्यक्रम हुआ है, इसमें लगभग 3-4 हज़ार लोगों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया है और बहुत अच्छे से सभी लोगों ने जितनी उनके सामर्थ्य था उस हिसाब से अपना योग किया है
और एक बहुत अच्छे माहौल में जो है योग दिवस को आज यहाँ मनाया गया। क्या मेरे को शिक्षिकाओं को सम्मानित किया गया? यहाँ पर 7 शिक्षक और 7 शिक्षिकाएं हैं जिनके बीच में पहले कंपटीशन हुआ था और जनपद में उनको स्थान प्राप्त हुआ है योग में। इनमें से 2 लोगों को जो है प्रदेश स्तर पे भी जो है वो गए हैं और आज वो वहाँ लखनऊ में उपस्थित हैं। तो लगभग 14 लोग जो हैं यहाँ हैं और उनमें से 2 जो है प्रदेश स्तर पर। सर, मंत्री जी का कार्यक्रम था। चली आई जो हमारी संस्कृति और परंपरा है उसको पूरे विश्व ने अपनाया और एक योग को नया एक आयाम दिया गया है। मेरे को लगता है स्वास्थ्य मंत्री के रूप में इतना ही कहूंगा कि आप सब योग करिए और स्वस्थ रहिए और योगी स्वस्थ जीवन का एक पासपोर्ट है। और मुझे लगता है कि आज जितने लोग भी यहाँ पर आए हैं गर्मी होते हुए भी सभी ने आनंद दिया है। मैं फिर आज के दिन पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि यहाँ पे आए हैं और साथ ही साथ अधिकारीगण है, जनता है मेरठ की और स्वामी जी स्वयं है, आप सबके मैं धन्यवाद देता हूँ। और आपके और श्री श्री रविशंकर जी के को याद करते हुए मैं फिर से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए, ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है क्योंकि 4 वर्ष पूर्व हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये कहा था और यूनाइटेड नेशन में कहा था कि आप लोग योग दिवस मनाना चाहिए 21 जून को। और ये अच्छे संकेत हैं भारत के लिए भी और भारत की ये परंपरा है, संस्कृति है योग और पूरे विश्व ने उसको अपनाया है। और 21 जून हर साल, आज 4th साल है जो योग मनाया जा रहा है, विश्व योग दिवस मनाया जा रहा है और मैं भी आज मेरठ में शिरकत किया हूं। तो एक आनंद का होता है योग करने से और स्वास्थ्य मंत्री के रूप में इतना ही कहूंगा कि जो स्वस्थ जीवन का सही पासपोर्ट है वो योग है। आप योग करिए, निरोग रहिए और साथ साथ स्वस्थ रहिए। और जब तन स्वस्थ रहता है, तनाव कम रहता है तो मन भी अच्छा होता है और अगल बगल आपके माध्यम से प्यार भी बढ़ता है। और इस अवसर पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज सबसे लंबा दिन है और सबसे लंबा जीवन जीने के लिए योग ही एकमात्र रास्ता है। नहीं, एकदम बात सही है क्योंकि सबसे लंबा दिन होता है 21 जून होता है और स्वस्थ रहने के लिए योग आवश्यक है। तो लंबा जीवन भी चाहिए, लंबा जीवन नहीं होना चाहिए, स्वस्थ जीवन होना चाहिए और स्वस्थ जीवन के लिए योग करना आवश्यक है। अपने आसपास की लेटेस्ट खबरों के लिए TV30 इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।